Hi guys, Namaskar, Sat Sri Akal, and welcome back to the new vlog and my channel. This is Manish here and welcome back to the Brainy Nomad. आ गया हूँ मैं फिर से एक दूसरे नए ट्रिप की तरफ. बहुत लेट हो गए कसम से. बाइक रेडी की अभी मैंने. अभी जा रहा हूँ मैं प्रणव के साथ, तो तुमको बाकी चीज़ें मैं रास्ते में बताता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार. तो मेरे को लगा था मैं रात में करूँगा तैयारी, मगर मैंने किया नहीं. अभी मैं सुबह उठ के सारी तैयारी की है और जल्दी जल्दी मैं अब सारा बैग पैक किया, अब मैं निकल रहा हूँ जीबी की तरफ. पहले मैं मंडी में प्रणव से मिलता हूँ, तो उसके बाद तुमको अभी मोटो व्लॉगिंग करते हुए मिलते हैं. On to the next adventure, on to the next trip. This time मेरे भाई के साथ, प्रणव के साथ. बात कुछ ऐसी है कि ये प्लान बना है बहुत ही जल्दी में. मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं जाने वाला हूँ, ना ही प्रणव को पता, क्योंकि बहुत सी जगहें हमने ढूंढी, बहुत ज़्यादा जगहें, और इन द एंड मतलब सबको कैंसिल ही कर देते. कोई बर्फ़ की वजह से कैंसिल कर दी क्योंकि रोड बंद है, कोई हमने मतलब दूर बहुत थी मेरे और उसके घर दोनों से ही. और फिर इन द एंड डिसाइड हुआ कि भाई ऐसा करते हैं कि किन्नौर वाला साइड फिर से घूम के आते हैं, जो पहले रह गई चीज़ें वो पूरी करके आते हैं, और साथ में तीर्थन वैली भी पूरी करेंगे. तो हाँ गाइस, मैं तीर्थन वैली जा रहा हूँ. एज पर प्रणव अनएक्सप्लोर्ड सी जगह है, कोई पहले वहाँ उतना गया नहीं, और मैंने भी यूट्यूब पे देख रहा था बहुत कम व्लॉग है तीर्थन वैली के ऊपर. तो क्यों नहीं, एक हमारा ट्रिप भी हो जाएगा और दूसरा व्लॉग भी बन जाएगा. बहुत मजा आने वाला, बहुत सारे ड्रोन शॉट्स, बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे रील्स. अगर फॉलो नहीं करते फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, क्योंकि भगवान का समय इतना रील बनाने में लग पड़ा हो ना, तो बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आने वाला है. मेरे घर पे आज खिचड़ी बनी है, तो भी वही कंजके होती है ना, वो पूछ के आया हूँ, खिचड़ी खिला के आया हूँ, खिचड़ी खा के आया हूँ. और उसके बाद फ्राइडे है, तो मैंने छुट्टी ली है आज ऑफिस से, और मंडे की छुट्टी ली है मैंने. तो 4 दिन का ट्रिप है, मजे में निकाल के आएंगे, बहुत मजा आने वाला. हमीरपुर क्रॉस किया है अभी मैंने, और अभी भी मेरे को थोड़ा ना, पहले भी सुबह भी मेरा रास्ता भूल क्या गया. मतलब मैं जाना कहीं और था, मैं और कहीं निकल के बातें करते करते ना गोप्रो पे, और अभी भी यही हुआ. फिर मुझे गूगल खोलना पड़ा कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं, तो फिर देखा तो हाँ सही जा रहा हूँ. अभी मुझे गूगल दिखा रहा कि 1 घंटा 55 मिनट लगेंगे नहर चौक भी नहीं डाला मैंने, मंडी डाला हुआ है, मंडी पहुँचने में. और 1 घंटा 55 मिनट में आराम से, मतलब लगभग 1:30 बजे तक मैं पहुंचूंगा, और मेरे हिसाब से प्रणव भी 1:30 बजे के करीब ही पहुंचेगा, जितना अनुमान लगा सकता हूं मैं. ये सामने रोड है, यहां से प्रणव आएगा और हम आगे मिलते हैं, आगे पेट्रोल पंप में मिलना उसको मेरे को, ठीक है. तब दिक्कत ये हो गई है कि मुझे लगा था मैं लेट निकला हूँ, बट भैया प्रणव तो ऐसा रुक रुक के आ रहे हैं. अभी पता नहीं कहाँ है, मुझे बोला उसने सुंदरनगर, अभी पक्का नहीं है कि वो सुंदरनगर में है नहीं है, क्योंकि वो खुद खज्जल है. मैसेज आ गया है लड़के का कि व्हाट्सएप चला. एनीवेज तो मैं तुमको तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि सुंदरनगर के हिसाब से 24 मिनट लगेंगे, तो अब वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि 14 किलोमीटर ही है यहाँ से शायद सुंदरनगर. तो वो आता है, उससे मिलाते हैं, तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा. मैं KTM के बाहर वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा मेरी चेन ढीली है, मैंने चेन टाइट कराई उनसे. अभी अब सेट है, अब आराम से जा सकते हैं. एंड प्रणव सर आ गए हैं, 2 किलोमीटर बोल गए, ये 3-4 किलोमीटर पीछे था कहीं. मैं कॉल देख, आंखें क्या हो गया तेरे को? ऑपरेशन हुआ है, बता दूँ तो फिर वो बोलते नहीं है कुछ डस्ट में नहीं चलाना है. डेढ़ महीना अभी ठीक हो गया सर का, ऑपरेशन हुआ है आँखों का, तो आँखें अजीब सी लग रही है, मेरी आँखों में से पानी निकल जाएगा. ऐसा साले दर्द नहीं होता तुमको ये सब ईयरफोन लगा के? कॉल क्या क्या करूँ, ऑफिस वालों को बोल के नहीं आया, छुट्टी नहीं ले सकता भगोड़े. प्रणव इज राइट बिहाइंड मी, प्रणव मिल गया. उसके बाद
अब हमें क्या करना है कि हमें जीबी की तरफ मुड़ना है, मगर जीबी वाला रास्ता ये कह रहा है, मेरे को भी नहीं पता था कि इतना वो, अब तुमको याद हो नहीं हो, तुमने व्लॉग देखा हो नहीं हो, तो एक अभी पैच आता है बहुत गंदे वाला, बहुत ही ज़्यादा गंदे वाला, मंडी से भुंतर तक, और ये कह रहा है कि वो वाला पैच आएगा हमें भी थोड़ा सा, और उसके बाद जीबी के लिए रास्ता मुड़ता है, और क्योंकि गूगल के हिसाब से भी 3 घंटा लगेगा यार, सिर्फ 78 किलोमीटर है और 3 घंटा बोल रहा है ये, भगवान कसम, या तो बहुत ही ज़्यादा गंदा रोड है या पता नहीं क्या है। उसके अलावा भी भूख लगी है क्योंकि सुबह बस वही जैसे मैंने कहा था खिचड़ी खाई है थोड़ी सी, एक कटोरी, वो भी पापा ने शुक्र है जबरदस्ती बोला कि खा ले खा ले। सो वी आर इन समवेयर इन बिटवीन मंडी और भुंतर के बीच में गए हैं, पहला मील खा रहे हैं मोमोज और बर्गर मतलब कुछ और मिला ही नहीं हमें। ऐसा नहीं था कि ढाबे वाबे में नहीं जाने का मन था, तो मैंने ये कह रहा है साइड में बड़े अच्छे मिलते हैं इनसे खाते हैं, तो बर्गर काफ़ी अच्छा था खा गया। अभी भी 52 किलोमीटर है और 2 घंटे दिखा रहा है, 2 घंटे मतलब, और इधर पहाड़ों में तुम्हें पता ही है टाइम का अंधेरा बहुत जल्दी होता है, और आजकल सर्दियाँ हैं तो ऊपर से और ज़्यादा जल्दी अंधेरा होता है, तो हमें थोड़ा मोमेंटम रखना पड़ेगा और जल्दी जल्दी जीबी पहुँचना पड़ेगा। भाई साहब मेरे को लगा था ये पैच नहीं आएगा आज, बट ये गंदा पैच आ चुका है मनाली भुंतर वाला, थोड़ा सा ये करना ही पड़ेगा हमको, और कोई चॉइस नहीं है। मेरे को पहले लगा था नहीं आएगा, बट पुराना सर ने कहा है कि नहीं सर आप क्या कहते हैं उस वर्ड को, आप गलत फैमिली में जी रहे हैं, ये आएगा, ये बहुत गंदा है भाई, ये टनल बना रहे हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रोड खराब हो चुका है और यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ट्रैफिक होता है, अभी पता नहीं मिलेगा ट्रैफिक कि नहीं मिलेगा। एंड बैड रोड स्टार्ट, और जो मैं पार्ट कह रहा था वो शुरू हो चुका है, और यहाँ लोग रुके हुए हैं। हाँ तो फिर कम है भैया, वरना अगर यहाँ बाई चांस बारिश हो जाए, उफ, इस रोड से गंदा रोड कोई नहीं है, फिर बारिश ट्रैफिक और स्लश, उफ, 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 उफ। भगवान का सा, हाँ तो फिर कम है यहाँ। थोड़ा सैडलिंग हो जाए, ऑफ रोड है क्योंकि, ऊपर वाटरफॉल, उस समय बारिश हो रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था, मेरे को पहले पता नहीं था वाटरफॉल है, क्या तगड़ा लग रहा है, कौन रोड, कोई बात नहीं है थोड़ा सा आएगा, तो फिर हमें बोल रहा है कि ये रोड इतना हिला रहा है, इतना हिला रहा है क्योंकि इसमें बम्प्स पड़े हैं, ऑफ रोड बहुत ज्यादा है, ये है कोई 30-40 किलोमीटर का पैच है ये भुंतर तक, उफ भगवान कसम तो इसलिए इसमें उछलते उछलते ही जाते हैं, तो वो बोल रहा है ये कब खत्म होगा बिल्कुल सामने वाला रोड है उस पे जाएंगे हम, वो लिखा है बंजार करके जगह है, वहां जाना अपने को, और इस टनल में घुस जाओगे तो तुम जाओगे सीधा सीधा मनाली, बट हम जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं यहाँ, हाँ यार, और ऐसा सेम दिखता है तुमको करचम वाली साइड जब तुम चिटकुल जाते हो, उधर भी ऐसे ही ना क्या सेव ऐसा भर भर के रखा हुआ है, तो मस्त लगता है।
हाय मस्त, हिमाचल बहुत सुंदर है यार। मेरे को बड़ा दुख होगा जिस दिन मैं वापस बैंगलोर जाऊंगा ना, ये सब करने को नहीं मिलेगा। फिर वही बैंगलोर से टिकट कटाओ, फिर इधर आओ, फिर 15 दिन का ट्रिप मारो, भाई बड़ा बुरा होता वो काम। बट जब तक हूँ इधर, मैं पूरा फुल ऑन मजे मार रहा हूँ यहाँ पे, फुल ऑन में ट्रिप पे मार रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है, कसम से बहुत मजा आ रहा है। तीर्थन घाटी में आपका स्वागत है जी, स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। शुरू हुआ भाई, ये तो सुंदर है यार। बताऊं, मौसम है ठंडा, सारे पेड़ झड़ गए हैं। हाँ, पूरा हरा है, हरा दिखा जैसे ये है। हाँ, पहली ऐसी होती है ये। यार ये तोड़ा, ये कितना सही लग रहा है नीचे, भाई बहुत बढ़िया है ये। वापिस मुड़ना पड़ रहा है मुझे, जी भी अभी भी उसी साइड, पिछली साइड है मेरे जी भी। बट प्रणव को मैंने कॉल किया तो मैं पीछे रह गया थोड़ा सा, तो मैंने बोला कहाँ पर है, बोला गिर गया हूँ। तो अभी उसको उठाने जा रहे हैं, उठाने के उड़ गया होगा, बट हाँ मतलब पीछे जा रहा हूँ मुड़ के, देखें कहाँ पर गिरे हैं जनाब। शुक्र है मैंने टाइम पर फ़ोन कर दिया, वरना काम हो जाता था अभी। बहुत उसकी की भी गलती नहीं है, बहुत नैरो रोड है, बहुत ज़्यादा नैरो रोड है, तो बसें ट्रक जो नहीं जो सब यहाँ चल रहा है। लगा क्या? शाबाश शाबाश, यही एक्सपेक्टेड है तुमसे। ये देख, थैंक यू सर। इसको बचाने के चक्कर में खुद भी गिर गए भैया। कहाँ चला हुआ था तू? इसको डाल अब उसमें टेल बैग में। हाँ, ये कहाँ भाई, ऐसा क्या घसीटा मारा तूने? यहाँ भाई मुझे गिरता भी। फिर क्या, फिर मैं वापस जाता घर और क्या? प्रणव इज डूइंग ग्रेट, उसको नहीं लगा क्योंकि ऑब्वियसली हमने सारे गार्ड वगैरह पहन रखे हैं, इसलिए प्रणव को नहीं लगी। बट थोड़ा बाइक को नुकसान हो गया है, उसका विंडशील्ड ये जो आगे लगा वो गया, रेयर ब्रेक मुड़ गई थी उसको सीधा करा, और बाकी ऑन एंड ऑल सब सही चल रहा है। बाकी तुमको बताता हूँ उतर के, जब पहुँचेंगे तब बताता हूँ। ये जो है, इस जगह का नाम है बंजार, और भाई बहुत ही छोटा छोटा कोजी कोजी से वो शहर नहीं होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे से, वैसा टाइप का है। और यहाँ तो नहीं आती होगी बस, यहाँ बस अलाउड भी नहीं करनी चाहिए, बट पीछे भी यार बहुत ही छोटे छोटे से रोड है और बसें चल रही हैं उसी में। सब भाई मैंने ऐसे मजाक ही किया, बस चल रही है और भगवान का बस गुजर दिए बंदे ने। साले बाइक पे फोटो कली नहीं नहीं वो ही बताऊंगा मैं क्या क्या गिरा है। तो लगभग 15-20 मिनट पहले पहुंचे, और आते हम रुके ये जीबी हेवन करके कोई जगह, ऊपर बेकरी और नीचे इनके रूम है, रखना है वापस। हाँ ये रखना, रुक जा लगाना है। तो आते ही सर, ये नट नहीं लगाना, नट बाहर ही है तेरा। तो आते ही सर बोलते हैं कि मेरा बाइक ठीक करके दे, तो अभी नट वट खोल के दिए सर, उस वाली साइड का क्लच सही करके दिया है। तो टूटा क्या क्या है वो मैंने तुम्हें ब्लॉग में बोल दिया कि इसने पीछे लटकाया हुआ था विंडशील्ड, क्या मेन विंडशील्ड था, बाकी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, क्लच और ब्रेकें ऊपर नीचे हुई, और वो तो कर दी सेट। नटवर्क आता है थोड़ा, वो तो आता है भाई को। बस ये विंडशील्ड है ये, अब इसको दिल्ली जाके कराना पड़ेगा। तो इसका मैं बाइक सेट करता हूँ, फिर हमें नीचे रूम में जाते हैं। मेरे को लगा था ड्रोन उड़ाऊंगा, मगर हो गया अंधेरा, सुबह उड़ाऊंगा। एनीवेज ठंड बहुत है, मिलते हैं तुमको थोड़ी देर में इसका बाइक सेट करके। बहुत सारा काम कर रखे, बहुत सारा जो प्रणव अपना पर्सनल मैकेनिक लेके चला है उसने काम कराया, और तो बाइक तो ठीक हो गया, ऊपर ठंड बहुत था, बहुत ठंड है यहाँ पे, मतलब मेरे घर से भी ज़्यादा ठंड है।
तो ये टूट गया इसका वाइजर, बाकी बाइक सही है। वो ब्रेक टेढ़ा हुआ था उसको सीधा करा दिया हमने पीछे ही बंजार में, और उसके अलावा और सो फार सो गुड, ये सेफ है। इसने अभी तक वो नी गार्ड सही नहीं किया अपना, मेरे को लगा पैंट फट गया, मगर नहीं, बोला स्टाइल है ये। इन सब चीजों का यूजेज है, नी गार्ड हो गया या जैकेट में एल्बो गार्ड, ये सब जो भी है इन सब का यूज बहुत है, पहना करो। चाहे 1000 रुपए वाले वो प्रो बाइकर के ले लो, मगर पहनो, बहुत बहुत तुमको सेव करेंगे। पहले अभी ग्रीन लाइट दिख रही थी, अभी एकदम से इतना दूर दूर आता हूँ, बट मैंने सुबह कहा था ये अनप्लान था, ये इन साहब ने प्लान बनाया क्योंकि इनको पहाड़ियां देखनी थी, बहुत टाइम हो गया इनको पहाड़ियां देखे हुए, पहाड़ ऐसा देखा। एनीवेज तुम चले थे, अलविदा, बाय।